जय हिंद। विनय जाधव नाम के शख्स का एक दोस्त राकेश, जो लगातार पढ़ाई में लगा रहता, उसका सपना था बैंक में अधिकारी बनना। एक दिन विनय जाधव को एक सीनियर आईपीएस अधिकारी मिलता है। ये आईपीएस अधिकारी स्वभाव में इतना अच्छा होता है कि उसे अपने दफ्तर ले जाता है, अपनी गाड़ी में घर छोड़ने भी जाता है। जिसके बाद विनय जाधव उस आईपीएस अधिकारी के सामने अपनी बात रखते हुए कहता है कि सर, मेरा दोस्त एक बैंक में सीनियर अफसर बनना चाहता है, इसके लिए आपकी गाइडेंस की आवश्यकता है। और आईपीएस अधिकारी उसे कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी बहुत अच्छी जगह जान पहचान है और मैं बैंक में नौकरी लगवाने के लिए तुम्हारी भरपूर मदद कर सकता हूं। अब ये आईपीएस अधिकारी इस लड़के को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और तुम्हें नौकरी भी लगवाऊंगा। जिसके बाद ये लड़का खुश हो जाता है और उसके बाद सपने देखने लगता है कि एक दिन वो बैंक में अधिकारी के तौर पर नियुक्त होगा। सपने देखते देखते ही वो एग्जाम देता है और एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो उसके सामने एक ऐसा सच निकल कर आता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। Facebook पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं जानता हूं कि वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में बहुत ही दिलचस्प केस है और खास तौर पर उन लोगों के लिए जो नौकरी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं। अब जगह है मुंबई, महाराष्ट्र में। मुंबई दौड़ भाग वाली जिंदगी के लिए जाना जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल भी इंडिया की इसे कहा जाता है। किसी के पास भी एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है। विनय जाधव और राकेश दोनों पक्के दोस्त थे। विनय जाधव का दोस्त राकेश सरकारी नौकरी के लिए लगातार तैयारी कर रहा था। उसका सपना था कि वो बैंक में अधिकारी बने, इसलिए वो नेशनलाइज्ड बैंक में प्रोबेशनरी अफसर बनने के लिए यानी मैनेजर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई करता, सरकारी नौकरी के एग्जाम की लगातार तैयारी तो कर रहा था, एग्जाम भी दे रहा था, पर उसे सफलता हाथ नहीं लग रही थी। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से इस घटना के बाद बदल गई। एक दिन विनय जाधव, जो कि राकेश का अच्छा दोस्त है, विनय जाधव काम से बाहर गया होता है, तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो कि कार में सवार है और उसके साथ ही सूटेड बूटेड है। इस व्यक्ति को देखकर वो काफी इंप्रेस होता है। इसके थोड़ी ही देर बाद वो इस व्यक्ति की तरफ खिंचा चला जाता है। अब ये जो व्यक्ति है इसका नाम है मनोज पवार। ये व्यक्ति भी विनय जाधव से बातचीत करता है और उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो कि सीनियर आईपीएस अधिकारी है। वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं और मैं ऐसे लोगों की जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी मदद करने में काफी रुचि लेता हूं। विनय जाधव और मनोज पवार के बीच काफी अच्छी बातचीत होती है। इसके बाद विनय जाधव मनोज पवार को बताता है कि मेरा एक दोस्त है, वो बैंक में नौकरी के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, वो अधिकारी बनना चाहता है पर अभी तक उसे सफलता नहीं मिली है। मनोज पवार कहता है कि मेरा एक कजन ब्रदर है जिसका नाम गणेश चवन है, वो आईपीएस अधिकारी है। पहली बात जो वो कहता है कि गणेश चवन की दिल्ली और मुंबई में बहुत पहचान है, जो कि एक आईपीएस अधिकारी है। दूसरा दावा वो करता है कि बैंक के अफसरों से काफी उठना बैठना है। तीसरी बात वो करता है कि बैंक के जो पेपर तैयार होते हैं उन पेपरों के बारे में भी उसके इस कजन को जानकारी होती है। चौथी बात वो कहता है कि नौकरी में कई लोगों को पहले भी मेरा ये रिश्तेदार गणेश चवन लोगों को सेलेक्ट करवा चुका है। इसके साथ ही कुछ अपॉइंटमेंट लेटर भी वो दिखाता है और कुछ ऐसे कागज मंत्रालय के दिखाता है जिन्हें देखकर फौरन विनय जाधव काफी इंप्रेस हो जाता है। अब विनय जाधव ज्यादा समय ना गवाते हुए ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि काश मेरे दोस्त राकेश की भी नौकरी लग जाए बैंक में, तो ये सोने पर सुहागा हो जाएगा। अब जब ये बात मनोज पवार सुनता है तो वो कहता है कि जरूर ये सपना भी सच हो सकता है। मनोज पवार कहता है उसके लिए, इस सपने को सच करने के लिए तुम्हें मेरे रिश्तेदार गणेश चवन आईपीएस से मिलना होगा और जब तुम उससे मिलोगे अपनी ये बात उनके सामने रखना और शायद तुम्हारा सपना जल्द ही साकार हो जाए।
अब कुछ समय बाद विनय जाधव को कोलाबा में राज्य पुलिस के मुख्यालय में बुलाया जाता है। अब मनोज पवार उसे कहता है कि पुलिस मुख्यालय में जाकर तुम गणेश चवन आईपीएस अधिकारी से मिलो और उन्हें बताओ कि मेरा दोस्त राकेश बैंक में अधिकारी बनना चाहता है और उन्हें रिक्वेस्ट करो कि किसी भी तरह से उसकी मदद की जाए। दूसरी बात यह होती है कि विनय जाधव जब इस अधिकारी से मिलकर ऑफिस से बाहर निकलता है तो कुछ देर बाद यह अधिकारी भी अपने दफ्तर से निकल रहा होता है तो वो अपनी गाड़ी में विनय जाधव को घर पर छोड़ने की पेशकश करता है। काफी दूर घर पर जाते हुए भी अपनी गाड़ी में काफी बातें करता है। अब गाड़ी में नेशनल एम्ब्लम लगा हुआ था, साथ में ब्यूरोक्रेट्स को मिलने वाली ये सरकारी गाड़ी थी। ये देखकर विनय जाधव ये समझ चुका था कि वो कहीं सही जगह आया है और अब लगता है कि मंजिल दूर नहीं है। विनय अपने दोस्त राकेश को नौकरी में सेलेक्ट करवाने के लिए इस कथित आईपीएस अधिकारी के सामने पेशकश करता है और उन्हें कहता है कि किसी भी तरह से आप मेरे दोस्त को बैंक में अधिकारी बनवा दीजिए और हम इसके लिए कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े वो हम करेंगे। थोड़ी देर बाद कथित तौर पर ये अधिकारी जवाब देता है कि इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये अधिकारी कहता है कि 1 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जो सुनकर विनय जाधव थोड़ा सा हिचकिचा जाता है पर वो कहता है कि सर नौकरी तो चाहिए ही है, इसके लिए जितना भी चाहे पैसा लग जाए। और उसके बाद किसी भी तरह से इस अधिकारी से वो सेटलमेंट करने लग जाता है। वो इस अधिकारी को कहता है कि हम भी आपके छोटे भाई या बेटे की तरह हैं, इसलिए अगर हो सकता है तो पैसे कम कर लीजिए। फाइनली जो सेटलमेंट होता है वो होता है 90 लाख रुपए पर। 90 लाख रुपए अब विनय जाधव और उसके दोस्त राकेश को देने थे इस कथित आईपीएस अधिकारी को, और उसकी एवज में इस कथित आईपीएस अधिकारी द्वारा बैंक में सीनियर अधिकारी के तौर पर एक प्रोबेशनरी अफसर के तौर पर नौकरी लगवाने का वादा किया गया था। अब वादे के मुताबिक इस कथित आईपीएस अधिकारी को 30 लाख रुपए कैश में एडवांस के तौर पर दे दिए गए और साथ में यह भी प्रॉमिस किया गया कि जैसे ही अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आएगा, जैसे ही नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलेगा, उसके बाद बाकी के 60 लाख रुपए भी दे दिए जाएंगे। अब विनय का दोस्त राकेश रोज बैंक में अधिकारी बनने के सपने देखने लगा था पर पढ़ाई उसने छोड़ी नहीं थी, रोज पढ़ाई करता। अब वो बैंक के एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भी भर चुका था और इसके कुछ दिनों बाद उसने बैंक के एग्जाम भी दिए। बैंक के एग्जाम देने के बाद अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। अब राकेश और विनय जाधव दोनों बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि किस दिन रिजल्ट आए और उसके बाद वो जल्द से जल्द बैंक में अधिकारी के तौर पर नियुक्ति पत्र हासिल कर ले। अब इंतजार की घड़ियां खत्म होते हुए बैंक का रिजल्ट फाइनली आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले विनय जाधव और राकेश पहुंचते हैं रिजल्ट देखने के लिए। जब वो रिजल्ट ऑनलाइन चेक करते हैं तो उन्हें नजर आता है कि राकेश का नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। वो बार बार रिजल्ट चेक करते हैं इसी उम्मीद में कि क्या पता अब रिजल्ट अपडेट हो जाए, क्या पता जो रिजल्ट साइट पर अपडेट हुआ है अभी तक वो गलत हो। तो इस उम्मीद में वो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा लगातार रिजल्ट चेक करते रहते हैं पर रिजल्ट जो साइट पर अपलोड हुआ था वो बिल्कुल ठीक था और राकेश इस एग्जाम में पास नहीं हुआ था। इसके बाद विनय जाधव सीधे उस अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करता है, उसे कॉल करता है पर यह कथित अधिकारी उसकी कॉल नहीं उठाता। बार बार कॉल की जाती है और रिपीटेड कॉल्स का भी कोई जवाब ना तो मनोज पवार दे रहा था और ना ही यह कथित आईपीएस अधिकारी गणेश चवन दे रहा था। इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज किया जाता है और पूरी बात बताई जाती है कि सर हमने एग्जाम दे दिया, एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया है पर उसमें राकेश का चयन नहीं हुआ है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जब बार बार संपर्क करने पर भी इस कथित आईपीएस अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, उसके बाद राकेश और विनय जाधव दोनों को शक हो गया। शक होने के बाद ये पहुंचे सीधा पुलिस के पास और पूरी व्यथा बता दी। पुलिस को बताया कि किस तरह से मनोज पवार नाम का शख्स उसे कथित आईपीएस अधिकारी गणेश चवन से मिलवाता है और यह दावा करता है कि उसकी बैंक में अधिकारी के तौर पर वो नियुक्ति करवा सकता है। उसके लिए 1 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं, 90 लाख में सेटलमेंट होती है जिसके लिए एडवांस अमाउंट 30 लाख रुपए दे दी जाती है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट
बिल्कुल जीरो, यानी कि नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ। पुलिस को जैसे ही ये पूरी बात पता चली, सारी की सारी कहानी उसी समय साफ हो चुकी थी। फिर भी पुलिस ने इन लोगों के जो नंबर दिए गए थे, मोबाइल नंबर, उन्हें ट्रेस करना शुरू किया, उनकी लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की, किन किन लोगों से ये बातें किया करते थे ये भी पता लगाने की कोशिश की, और फाइनली इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जब इन लोगों के ठिकाने पर छापा मारा गया तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके साथ ही कई सरकारी दस्तावेज जो कि फर्जी थे वो बरामद किए गए। इसके साथ ही कई अपॉइंटमेंट लेटर बरामद किए गए, और साथ में जो खुलासा हुआ वो ऐसा था जिसने राकेश के सभी सपनों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने बताया कि ये गणेश चवन कोई आईपीएस अधिकारी नहीं है, बल्कि वो चेंबूर का रहने वाला है और अक्सर लोगों को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगा करता है, और इसी क्रम में उसने राकेश और विनय जाधव को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगा था। वहीं जो दूसरा शख्स था, मनोज पवार, वो भी एक ठग था जो नवी मुंबई का रहने वाला था, और वो भी लगातार ऐसे लोगों की तलाश में रहता था जो सरकारी नौकरियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये उन लोगों को ढूंढकर झांसा दिया करते कि अगर आप हमें पैसे दे दो तो हम आपकी सरकारी नौकरी लगवा देंगे। डीसीपी क्राइम राज तिलक रोशन ने बताया कि इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, और इस मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो कि लोगों को अपने जाल में इस तरह से फंसा रहा है। हो सकता है कि राज्य में ऐसा नेटवर्क फैला हो, और हो सकता है कि पूरे देश में भी इस प्रकार के लोगों का नेटवर्क फैला हुआ हो। इसके बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। इस पूरी कहानी से, पूरे केस से हमें सीख ये मिलती है कि कभी भी सरकारी नौकरी के लिए किसी को पैसा देने के लिए तैयार ना हो, किसी के झांसे में ना आए, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो एक दिन सिलेक्शन होगा, पर अगर गलत रास्ता अख्तियार करेंगे तो इस तरह के मुन्ना भाई हर जगह आपको ठगने के लिए बैठे हुए हैं, जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। जय हिंद।